नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। नया टॉपिक क्या होगा भाई? आप ही फायदे से रिलेटेड ही मेरे हिसाब से नया टॉपिक रहेगा। क्या होता है कि आप लोग कहीं पर भी जाके अपने नंबर शेयर कर देते हो, अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हो, अपना एड्रेस दे देते हो। वहां से फिर एक्चुअली में होता क्या है कि आप नंबर तो हो सकता है सही बंदे को दे रहे हो, लेकिन सही बंदा आपको ठगी नहीं करेगा, लेकिन रॉन्ग जो बंदा होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं। जैसे ऑनलाइन ठगी होती है ना, ठीक है कि आपका पासवर्ड हैक कर लिया, आपके पासवर्ड से किसी ने, आपने पासवर्ड कहाँ डाला था, पैसा कहाँ निकल गया, नंबर आपने कहाँ दिए हैं, ठगी आपके साथ कहाँ से हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि इन चीजों से आप अवेयरनेस, आपके साथ अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा भाई ध्यान रखें। आपके साथ ठगी कहाँ कहाँ होती है, मैं पहले तो आप उन पॉइंटों पर बता दूं। सबसे पहले होती है आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो सकती है। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ठगी करने के। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ ठगी हो सकती है, जिसमें आपका पासपोर्ट, एड्रेस, मोबाइल नंबर आप कहीं पर भी शेयर कर देते हो लोगों के साथ में। दूसरी बात, आप कमेंट के नीचे जाके अपने नंबर लिखते हो। आपको पता हो तो मेरे व्हाट्सएप, मैं जब भी वीडियो डालता हूँ, रोज के कम से कम 100 नंबर, जितने भी वीडियो हैं, किसी पे 2, कभी किसी पे 4, 5, 7, ऐसे करके लगभग 100 नंबर मेरे कमेंट में रोज के मैसेज आते हैं। सर मुझे जॉब चाहिए, प्लीज मुझे कॉल करें, मुझे सख्त जरूरत है। मतलब आप अपनी कमियां वहां पे शेयर कर देते हो लोगों के सामने कि मैं, मुझे विदेश जाना है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। तो फिर लोग, हाँ अगर आपने अपने वर्ड लिखे तो ठीक है, वर्ड लिखे तो समझ में आता है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप छोड़ देते हो, उसमें फिर क्या होता है, वहीं से झोलझाल हो जाता है। आपको पता होगा कि 2 साल में आप कितने लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हैं। क्या किसी को मैंने कॉल किया है भाई? किसी को मैंने कॉल नहीं किया 2 साल के अंदर। मेरी तरफ से किसी के पास बैक कॉल नहीं गया कि हाँ आ जाओ मेरे पास जॉब है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने, पहले तो मैं हर वीडियो में ऐड करता था भाई कमेंट में नंबर न लिखे, लेकिन यार पहले बोलता था, अब मैंने बोलना छोड़ दिया। फिर भी लोग कमेंट करते हैं, औरों के नीचे भी आप जा जाके कमेंट करते हो। एक आदमी 10 वीडियो देखता है, 10 के नीचे कमेंट किए हुए मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर दिक्कत हो जाती है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है। आपको पता है चौथा रीजन क्या हो सकता है? आप मान लीजिए आपको दुबई जाना है, कतर जाना है, मस्कत जाना है, या कोई यूरोप कंट्री में आपको जाना है। सर मुझे वहां जाना है, मुझे जॉब, मुझे वीजा चाहिए, मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो वहां आपके नीचे कुछ लोग आके कमेंट करते हैं आपको बिना मांगे। जो लोग सलाह देते हैं ना, ये मान लीजिए वो कहीं ना कहीं एजेंट हैं, वो आपसे बात करके, आपसे कॉन्टेक्ट नंबर लेके आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं मेरे कमेंट के नीचे देखता हूं कि आप क्वेश्चन आपने मेरे से किया, ठीक है, कि मुझे वहां जाना है, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैं एक रिप्लाई नहीं दे पाता, ये मेरी मजबूरी है, मैं वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। वहां पे देखता हूँ मैं काफी लोग जो मेरे वीडियो पे एक नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो उन्हीं के नीचे, हाँ ये जॉब मेरे पास है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मेरे, मैं इतना पैसा लूंगा, आपका ये कर दूंगा, आपका वो कर दूंगा। फिर आप उनसे चैट करने लग जाते हो, 5, 6, 7, 8 मैसेज पे मैसेज चलते रहते हैं, आपके नंबर दो, आप कहाँ से हो, आपकी कितनी तनख्वाह है, मैं भी जाना चाहता हूँ। फिर आप एक दूसरे से, आपको नहीं पता कि वो बंदा कितना सच्चा है, आपको थोड़ी पता होता है, चैट से पता लगता है कि बंदा कितना सच्चा है, लेकिन आप तो उसकी सच्चाई पे फिर मेरे से आप बाहर निकल के उससे उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हो। फिर कहीं ना कहीं लोचा आपके साथ हो जाता है। हो सकता है वो नहीं करे तो वो नंबर आपका किसी थर्ड पार्टी को दे दे, तो वो आपको चक्रों में चला ले, फिर ऐसा होता है, ठीक है। कमेंट में अपना मोबाइल नंबर देने की वजह से, और कमेंट के अंदर आप ये लिखते हो कि मेरे को जाना है, फिर आप उनसे चैट करने का, ये भी एक रीजन। 3-4 रीजन मैंने बताए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। वीडियो में ऐसे नहीं बनाता, कहीं ना कहीं से मेरे पास टॉपिक आता है तभी मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीनशॉट साथ में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक बंदा है, सर नंबर दीजिए वहां का, मैंने एक वीडियो डाला होगा तो बंदे ने कोई किसी का नंबर मांगा होगा। मेरे पास एक लेडीज का कॉल आया था कल ही, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा साथ में। और उन्होंने सा इंटरनेशनल ट्रेवल के नाम लिया था, और वो कह रही थी कि 50,000 चार्ज लगेगा, रसिया कंट्री के नाम लिया था उन्होंने मुझको। और वो बोली कि नंबर किसको दिया था, यानी ये आपसे पूछ रही है जिन्होंने, जिसने कमेंट किया मुझे, कि आपने नंबर किसको दिया था। उन्होंने कभी, मैंने बोला नहीं, बंदा बोल रहा है कि मैंने नंबर, और मैंने आपके पास एक कमेंट किया था, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि मैंने आपके पास एक कमेंट किया था, शायद वहीं से ये कॉल आई होगी, उन्होंने मेरा नंबर कमेंट में देखा होगा, जो आपका चैनल पर मैंने मोबाइल नंबर डाले थे, मैंने, वो बोल रही है नोएडा में ऑफिस सा इंटरनेशनल से रही थी, बोल रही थी, भरोसा कर सकता हूँ क्या उन पर मैं, प्लीज बताए मुझे वो ऑफिस आने को,
रही थी मुझे। अब बताइए, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये बंदा साफ साफ बोल रहा है कि मैंने आपके कमेंट में मेरे नंबर छोड़े थे विदेश जाने से रिलेटेड, मेरा नंबर उस एजेंट ने चख लिया, वो लेडीज बोल रही थी, और वहां से ये बोल रहा है कि मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, मैंने वही नंबर छोड़ा था, वहां से इस लेडीज ने नंबर उठाया और इसको बोल रही है कि 50,000 में रसिया भेज दूंगी। अब आप सोचो यार, 30-35 हजार की टिकट आती है, मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, समझ रहे हो, आपको 50,000 में रसिया भेज दूंगी। अब बंदा नहीं ठगा जाएगा, आपको नहीं लगता कि आप ठगे जाओगे। अब ऐसे मान लीजिए एक लेडीज पर डे के 100, कितने यार, हजारों वीडियो डलते हैं विदेश से रिलेटेड, और हजारों लोग व्हाट्सएप अपने वहां पे कमेंट पे नंबर जा जा के छोड़ते हैं छोड़ते हैं, और ये जो फ्रॉड बैठे होते हैं ना, वहीं से नंबर कैच कर लेते हैं और फिर मैडम में कॉल करने लग जाती है उनको। रोज के एक मैडम 100 कॉल करती है, क्या एक एक बंदा नहीं फंस सकता आराम से? मैं 1% रिजल्ट पे चल रहा हूँ, एक बंदा आराम से फंस सकता है, तो वो कितना पैसा कमाएगी यार? 50,000 में आपको रसिया भेज देगी, सोचने की बात है, कैसे भेज देगी भाई 50,000 में? वीजा टिकट आती है 50,000 में, तो फिर वो क्या खाएंगे? वो अंबानी की औलाद थोड़ी है कि आपको फ्री पॉकेट में सब कुछ करवा देंगे, अपना अपनी जेब से लगा के आपका काम करवा देंगे। यहां से होती है ठगी की शुरुआत और आप लोग इसमें ठगे जाते हो। तो भाई रिक्वेस्ट है, आपके जानकार उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि कुछ अगर 5-10 लोग भी बचे तो मैं तो ये अच्छा मानूंगा कि चलो इतने लोग तो बचे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सस्ते के लालच में ना मरना मत, लालच गला कटवाता है। अब ये मुझसे परमिशन ये बंदा मांग रहा है कि वो सही है क्या, मैं उनसे भरोसा कर सकता हूँ क्या? बताओ, कहाँ का कमेंट, किसके पास कॉल आया, क्या उसको बोला, मेरे से बोल रहा है कि वो सही है क्या? क्या जवाब दूं भाई मैं उसको, किस किस को जवाब दूं? ये तो चलो इसने पूछ लिया, बाकी बहुत सारे लोग तो पूछते ही नहीं, हवा में उड़ते हैं ना, उनको तो फोकट का कोई चाहिए कि मैं रसिया का 5 लाख ले रहा हूं, और वो बोलता है 50,000 में भेज रहा हूं, तो वो उसको फोन करेगा, उसको ये लगेगा कि जल्दी पहुंचू कहीं अपने जगह दूसरा नहीं पहुंचे वहां पे रसिया, ऐसा होता है। तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान रखें, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ वालों को भी बचाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।